दर्शकों, मैं दिव्या खोपड़े और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। पूरा मामला इंदौर के चंदननगर थाना क्षेत्र का है। चंदननगर थाना क्षेत्र में रहने वाला एक नाबालिग बच्चे की मां ने चंदननगर थाने पर जाकर शिकायत दर्ज करवाई कि पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में ही रहने वाला एक 20 वर्षीय युवक उनके बच्चों को ब्लैकमेल कर रहा है। वहीं बच्चे ने ब्लैकमेल होने के चलते घर में रखे 4 लाख रुपये भी ले जाकर उस युवक को दे दिए। अतः पुलिस ने जब बच्चे से पूछताछ की तो बच्चे ने पुलिस को बताया कि क्षेत्र में रहने वाला एक 20 वर्षीय युवक ने उनका अश्लील वीडियो बना लिया है। वही वीडियो में दो नाबालिग बच्चे अश्लील हरकत कर रहे हैं और उसी वीडियो को वायरल करने की युवक के द्वारा बच्चों को धमकी दी गई और उसी के चलते बच्चों ने घर में रखे हुए पैसे युवक को दे दिए। लेकिन उसके बाद भी युवक लगातार बच्चों को पैसों को लेकर ब्लैकमेल कर रहा था, जिसके कारण बच्चे घर में भी गुमसुम रहने लगे। और जब घर में मौजूद परिजनों को कुछ शंका हुई तो एक बच्चे ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी परिजनों को दे दी। उसके बाद एक बच्चे की मां थाने पहुंची और पूरे मामले में युवक के खिलाफ ब्लैकमेलिंग सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करवा दिया। तो वहीं जिस बच्चे की मां ने युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया, उन्होंने पुलिस को यह भी जानकारी दी कि उनके पति की काफ़ी दिनों पहले मौत हो गई है। तो वहीं घर को बनवाने के लिए किसी व्यक्ति से 4 लाख रुपए उधार लेकर आई थी और वही घर में रखे थे, लेकिन 20 वर्षीय युवक ने उनके बच्चे को इस तरह से प्रताड़ित किया कि उसने घर में रखे 4 लाख ले जाकर युवक को दे दिए। लेकिन उसके बाद भी युवक बच्चे को प्रताड़ित करने लगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले का वीडियो भी जांच पड़ताल करने में जुटी है। तो वहीं आरोपी की भी तलाश की जा रही है और जल्द पकड़ने की बात कही जा रही है। मैं एक 12 साल के बच्चे को ब्लैकमेल का मामला सामने सब किस प्रकार से घटनाक्रम हुआ सर? जी, चंदननगर थाना क्षेत्र में एक 12 साल के बच्चे के साथ में ब्लैकमेल का मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा उसके अश्लील वीडियो बनाकर उसको वायरल करने की धमकी देने पर उससे 4 लाख रुपए की डिमांड करी गई, जिससे परेशान होकर उसने पुलिस में रिपोर्ट किया। मामला पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाकर उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें शायद तक वीडियो कोई व्यक्ति बना रहा है और पैसा और कोई मांग रहा है क्या? तो क्योंकि ये 3 लोग हैं इसमें सर, शायद तक इस मामले में अभी और जांच जारी है। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है और क्या क्या इनकी मंशाएं हैं, इसके बारे में अभी जांच जारी है। जांच उपरोक्त ही इसमें कुछ और चीजें निकल के आती है, उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। स्कूल में बनाया गया वीडियो जो क्लिप है वो बहुत छोटा है, तो उससे ये पता लगाना कि क्लिप कहाँ पर बना है अभी संभव नहीं हो पा रहा है। इसकी जांच में चीजें निकल के आएंगी, फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी वीडियो की, उसकी तथ्यता निकल के आएगी, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। कहाँ के रहने वाले सर? ये सारे के सारे जो बच्चे हैं नूरानी नगर चंदन नगर के रहने वाले।